नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ अलंकार। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने कुछ अलग हटके लिखा है। इंग्लिश का ए बना करके मैंने अलंकार लिख दिया। अब आप इसे अलंकार ही समझे, ये क्योंकि ये अलंकार है। अलंकार होता क्या है तो आपको मालूम है भाई, कि जब है ना किसी चीज़ को अपन सजा देते हैं और उसकी जो शोभा बढ़ जाती है, उन्हीं तत्वों को हम अलंकार कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से मैंने इसको भी सजा दिया गया है, ये अक्षर लेकर के और ये इसका इस प्रकार से कर करके। तो ये सजा हुई चीज को ही हम अलंकार बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा जो हिंदी साहित्य में कही जाती है या हिंदी भाषा में बोली जाती है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसको? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। और काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है? या तो शब्दों से बढ़ती है या फिर अर्थ से बढ़ती है। उसमें कोई शब्द आएंगे तो उसकी शोभा बढ़ेगी, नहीं तो जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तब शोभा बढ़ेगी। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। आज ये 10वीं कक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आज आपके लिए उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो पहला है ना अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है तो ध्यान से सुनिए, कि जिन काव्य पंक्तियों में यानी जो कविता की लाइनें हैं उनके लिए काव्य कहते हैं। कोई भी कविता की लाइन ले लो, उसको हम काव्य बोलते हैं। तो जिन काव्य पंक्तियों में कोई वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, जैसे का कबूतर का, खा खरगोश का, पा पतंग का, मा मछली का, चा चम्मच का, तो ये वर्ण होते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर, यानी जिन काव्य पंक्तियों में कोई वर्ण यानी कि अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। यानी कि अक्षर जो है आपका, उसको बार बार आना चाहिए। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तो तरनी में ता है, तनुजा में ता है, तट में ता है और तमाल में ता है, इसलिए इन पंक्तियों में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से पंचमी की कुछ लाइनें लिखी गई हैं, तो देखिए ये उदाहरण में, चारु चन की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यदि आप है ना ये पंक्तियाँ गीत के द्वारा गाते हुए याद करेंगे ना, तो बहुत आसानी से हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे याद करते हैं और हमें वो बड़ी मुश्किल से याद होती हैं। हालांकि ये पंक्तियाँ तो बहुत ही सरल हैं, लेकिन इस प्रकार बोलेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। कौन सी? चारु चन की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए दूसरा अलंकार बता रहा हूँ, एक बार आप बोर्ड की तरफ देख लें ताकि समझ में आ जाए क्या लिखा है।